नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते हैं तो वो कौन कौन से रास्ते जिन्हें फॉलो करके आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो उन तीनों तरीकों में से दोस्तों जो मैंने आपको एक तरीका बताया था वो बताया था यूपीएससी के थ्रू। तो उसमें कुछ लोगों के आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताए कि यूपीएससी के थ्रू अगर हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों उसके बारे में आज बिल्कुल हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का मतलब तो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, बेसिकली एक आयोग होता है। अब यूपीएससी का जैसे ही नाम आता है तो सबके सामने एक ही तस्वीर आती है कि भाई आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं यूपीएससी के थ्रू निकलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यूपीएससी एनटीए की भी रिक्रूटमेंट निकालता है और एजुकेशन के क्षेत्र में भी रिक्रूटमेंट निकालता है, ठीक है, और भी कुछ जगह जहाँ पर यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट निकलती है। तो केवल यही नहीं है कि यूपीएससी केवल आईएएस आईपीएस के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है, ठीक है, और भी विभाग हैं या फिर और भी डिपार्टमेंट हैं जिनकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू निकलती है। तो इसमें जब हम दोस्तों शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो यूपीएससी के थ्रू बेसिकली दो रिक्रूटमेंट निकलती है, ठीक है, एक तो आपकी प्रिंसिपल की निकलती है और दूसरी आपकी निकलती है डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर की, जो आपके उप शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम प्रिंसिपल या फिर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की बात करते हैं तो इसके लगभग दिल्ली में दोस्तों 1000 के आसपास पद खाली है, जिसका नोटिफिकेशन मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अब दोस्तों जो शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार है इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट और प्रमोशन यूनिट होता है, जो आपका आरपीयू होता है, ठीक है, उन्होंने इस रिक्रूटमेंट के लिए आरआर तैयार कर दिए। लेकिन यूपीएससी के थ्रू ये रिक्रूटमेंट निकलेगी तो इसके ना उसमें संशोधन करेगा, जो आरआर होते हैं जो आपके रिक्रूटमेंट रूल होते हैं तो यूपीएससी उसमें कोई संशोधन करना चाहता है कुछ, ठीक है। तो इसलिए अभी तक आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को, इसका नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँगा कितने पद खाली हैं, तो अभी वो संशोधन करने बाकी है। और दोस्तों अभी तक कोई भी यूपीएससी के थ्रू इसमें संशोधन नहीं किए गए, इसलिए अभी कार्य आपका पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। जैसे संशोधन कर लेता है यूपीएससी, मतलब रिक्रूटमेंट रूल का एक बार संशोधन करके और अपने हिसाब से जो भी वो रूल बनाएगा रिक्रूटमेंट के, एक बार वो तय कर लेता है तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट के वर्तमान समय में क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी भविष्य में यूपीएससी अपने हिसाब से क्या इसमें परिवर्तन किया जाएगा तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो जब भविष्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा तभी आपको इस बात से अवगत कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रिंसिपल के लिए रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें दोस्तों जो सैलरी है वही आपकी 78,800 से वही 2,09,400 रुपये के आसपास या 200 रुपये के आसपास जाएगी। इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 50 वर्ष है, ठीक है, ये इसमें अच्छी चीज़ है। और क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वही आपकी मास्टर्स डिग्री इसमें होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आपसे क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। तो बाकी ये दोस्तों मैं जो रूल बता रहा हूँ वर्तमान समय में, बाकी इसमें अभी संशोधन करेगा भी जो ये रूल तैयार किए हैं दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट और प्रमोशन यूनिट जो होती है आरपीयू उसके द्वारा तैयार किए गए हैं। बाकी उसने अभी ऑब्जेक्शन मांगा है यूपीएससी से कि वो क्या परिवर्तन कर रहा है, जल्दी से हमें बता दे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो आरआर है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें क्या परिवर्तन करना है यूपीएससी ने बता दे। लेकिन यूपीएससी ने भी इस तरह की कोई बेस पर अपनी दलील नहीं दी, ठीक है। तो वर्तमान समय में दोस्तों केवल आपको इतनी जानकारी दी जा सकती है कि अभी कार्य पेंडिंग पड़ा हो। बाकी जैसे यूपीएससी कुछ भी इसमें करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी करता है, जो भी रूल रेगुलेशन जो भी लाता है, तो जैसी कोई भी हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब दोस्तों बीएड जब मैं कर रहा था उसमें ट्रेनिंग के दौरान ना जिस स्कूल में पढ़ा रहा था उनके प्रिंसिपल सर तो ठीक है, बाकी जो हमारे साइड वाला स्कूल था जो उनके प्रिंसिपल सर थे वो इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन होकर आए थे उनका यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। वो वैसे नहीं थे टीजीटी पीजीटी पीआरटी से प्रमोशन होकर जब वो प्रिंसिपल बने थे या फिर वो इस प्रिंसिपल की जब हम बात करें, उनका डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो अब मैं उनसे दोस्तों डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन अगर उनसे जैसे तैसे करके मेरी अगर बात हो जाए तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि उनका तो व्यक्तिगत अनुभव होगा, उन्होंने जो भी चीज़ें करी जैसे भी करा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, लेकिन पर्सनली दोस्तों वो मुझे जानते तो है नहीं। अब पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे उनसे बात करी जाए, क्या करा जाए। और बाकी अगर आप ये कह रहे हो कि सर कोई नहीं बात कर लो क्या जा रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, तो दोस्तों इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आप भी उन सर से बात कर सकते हैं। मैं आपको स्कूल बता देता हूँ, शायद से गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नगर नंबर 3 स्कूल है, ठीक है। तो उनके जो प्रिंसिपल हैं वो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है उनका। अब अगर आप उनसे बात कर सकते हो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल सर का नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बात करना चाहो तो उनसे कर सकते हैं, लेकिन ये मत बताना अगर वो पूछे कि आपको किन्होंने बताया कि मेरा यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, कहीं आप हमारे चैनल का नाम ले दो या फिर मेरा नाम ले दो,
आप जैसे भी मैनेज करो दोस्तों कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, आप जैसे भी बताओ उन्हें बता देना। बाकी इंटरनेट पर प्रिंसिपल सर का नंबर काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा और आप उनसे डायरेक्ट विचार विमर्श कर सकते हैं कॉल करके कि सर हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए अगर UPSC के थ्रू अगर हमें प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों वही एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ उन्हें संपूर्ण रूप से जानकारी होगी, क्योंकि खुद वो इस प्रोसेस से निकल कर प्रिंसिपल बने। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट से संबंधित यही लास्ट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, इसके बाद किसी भी तरह का हमें नोटिस देखने को नहीं मिला है प्रिंसिपल से संबंधित। और इसी में साफ साफ मेंशन किया गया है कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कितने पद खाली हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, और इसमें मैंने कुछ नंबर वगैरह दोस्तों हाइड कर रखे हैं। वो क्यों कर रखे हैं दोस्तों, इतना तो आप जानते होंगे, इतने तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो इसमें ही देख लेते हैं। अभी ये जो नोटिस है दोस्तों, ये 10 जनवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हमें कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला है और सारा का सारे कार्य पेंडिंग पड़ा है जबी से। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं दोस्तों, वैसे तो इसमें सारी ही जानकारी दे रखी है, लेकिन जो मेन जानकारी जो मैं आपको पोस्ट से संबंधित बताना चाह रहा था वो इधर मेंशन की गई है। अब इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो है 945, जिसमें से प्रधानाचार्य के 923 हैं और उप शिक्षा अधिकारी के 22 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम प्रधानाचार्य पदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं 923 पद खाली हैं और ये 2018 के अकॉर्डिंग, और अब तो दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है, अब तो और भी ज़्यादा संख्या बढ़ गई होगी इनकी। ठीक है, तो यही दोस्तों नोटिस है हमारे पास, जो लास्ट किसी भी तरह से दिल्ली सरकार या फिर भारत सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इससे इसके बाद कोई भी हमें ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिला प्रिंसिपल पोस्ट से संबंधित दिल्ली सरकार के स्कूलों में। तो बस दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और अगर चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही सारी बातें की जाती हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।